प्यार, इश्क और मोहब्बत। इस एहसास को हमने ना सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि हमारे हिंदी सिनेमा में भी बड़े करीब से महसूस किया है। पिछले कई सालों से हमने बड़े पर्दे पर मोहब्बत के ना जाने कितने ही रंग बिखरते हुए देखे हैं। हमारे सिनेमा में ना जाने कितनी ही ऐसी लव स्टोरीज बनी हैं जिन्हें देखकर शायद हम भी मोहब्बत करना सीखे हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन स्टारर कभी कभी हो या ऋषि कपूर की बॉबी, मुगले आजम से लेकर बर्फी तक हमारे हिंदी सिनेमा ने मोहब्बत की कितनी दास्तानें छेड़ी है और ये जॉनर शायद हिंदी सिनेमा का लाइफ लाइन भी है। मगर कुछ वक्त से हमारा हिंदी सिनेमा थीम्स और टेक्निक को लेकर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स तो जरूर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्योर इंटेंस लव स्टोरीज गुमसी हो गई हैं। रियलिस्टिक सिनेमा और एक्शन कॉमेडीज या फिर रोमांटिक कॉमेडीज भी दिख जाती हैं, लेकिन हमारी ऑडियंसिस को एक इंटेंस लव स्टोरी का इंतजार जरूर रहता है। लव स्टोरीज की बिल्कुल कमी है आजकल। ज़्यादा हम देखते हैं एक्शन मूवीज आ रही हैं, जैसे अभी लेटेस्ट देख लो एक्शन मूवीज ही आ रही हैं ज़्यादातर। लव स्टोरीज बहुत कम हो गई हैं, जैसे शाहरुख खान के काजोल बिल्कुल नहीं देखने को मिलता अब जी। आजकल ज़्यादातर कॉमेडी मूवीज ज़्यादा आ रही हैं, एक्शन मूवीज आ रही हैं, पर लव स्टोरी थोड़ी जी घट आ रही हैं। इस करके थोड़ी बननी चाहिए तो ताकि न्यू जनरेशन थोड़ी जी सेध भी मिल सके। बहुत ज़्यादा कमी है अजकल लव स्टोरी मूवीज़ की, बहुत ज़्यादा कमी है। एक्शन मूवीज़ आ रही हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कॉमेडी मूवीज आ रही हैं हिंदी च भी पंजाबी च भी बहुत ज़्यादा। जो भी पंजाबी भी एक्टर बना रहे हैं पंजाबी मूवीज़ बना रहे हैं, इस करके लव स्टोरी की घाट आ जी भाई। लव स्टोरी का कमी हैगी है तो हर कोई एक्शन मूवी तो कॉमेडी मूवी बना रहा, पर असं डिमांड करते लव स्टोरी मूवी ज़्यादा वधिया करते हैं, ज़्यादा मजे नाल वेखते हैं। पब्लिक ये चाहती है कि हम एकदम टेंशन फ्री होके आए जिसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, सब कुछ ऑन स्क्रीन हमें कंटिन्यूसली समझ में आता रहे, तो मोस्टली इसलिए लोग लव स्टोरीज अभी नहीं पसंद कर रहे हैं एंड दे प्रेफर कॉमेडी। फ्रेंड्स के साथ में आते हैं लोग, कॉमेडी देखना चाहते हैं, थोड़ा हंसेंगे, हैव अ गुड टाइम। लव स्टोरीज इंटेंस हो जाती हैं थोड़ा सा, तो इसलिए दिमाग ख़राब हो जाता है। आइए ज़रा लोगों से कहते हैं कि अपनी याद को टटोले और बताएं कि रिसेंट रिलीजेस में ऐसी कौन सी लव स्टोरी है जो उनका हाथ थामे उनका साथ आज तक चल रही है। बट इशकजादे जो मैंने लास्ट लव स्टोरी देखी थी, इशकजादे अच्छी थी। बर्फी मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। ये जवानी है दीवानी, इट वाज वेरी गुड, स्टारिंग रणवीर एंड दीपिका बोथ। हाँ जी, मेरे चंगी तरह याद आई, मैं वीर ज़रा देखी सी अपने इतने किरण थिएटर से देखी सी चंडीगढ़, तो मैंने बहुत वधिया लगी शाहरुख जी की सी। गुड लव स्टोरी आई वुड सजेस्ट वीर ज़रा वॉज द बेस्ट आई हैव सीन इन लव स्टोरीज। लव स्टोरी बर्फी लास्ट मूवी बहुत वधिया, लव स्टोरी बहुत वधिया मूवी सी, ते इच पूरा दिखाया गया लव किस तरह, मतलब कि जेड़े बोल नहीं सकते उन्हां ही लव भी है। अगर आज के दौर में पसंदीदा लव स्टोरी बने तो आप उसमें से कौन सी जोड़ी को देखना पसंद करेंगे? वीर एंड दीपिका फॉर श्योर। इनको आप ज्यादा देखना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, दे आर द बेस्ट। काजोल ते शाहरुख खान को सी दोबारा देखना चाहते हैं, उन्हां दी जोड़ी। शाहरुख खान और परिणीति चोपड़ा बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, परिणीति चोपड़ा बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, तो शाहरुख खान, किंग खान और परिणीति चोपड़ा डेफिनेटली। माय पर्सनल फेवरेट वुड बी शाहरुख खान एंड प्रीति जिंटा, जॉन अब्राहम ते करीना कैफ। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।